गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज द वर्ब्स सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। यू नो वेल द ऑलवेज दे हैव टू यूज द टू नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द सिंगुलर नाउन्स एंड द सिंगुलर प्रोनाउन्स। व्हेन वी फाइंड एनी सेंटेंसेस द सिंगुलर नाउन्स आर सिंगुलर प्रोनाउन्स वी ऑलवेज यूज द सिंगुलर वर्ब। हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। सपोज दैट विद द प्लूरल नाउन्स प्लूरल प्रोनाउन, यदि सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन को फाइंड आउट करते हैं देन यू ऑलवेज यूज द प्लूरल वर्ब। आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। And when you find the singular nouns or the singular pronoun, then you have to use singular verbs. And the second is am, are. We use always singular subjects in a third person. Third person ke singular subject mein. Singular subject mein, third person mein, he, she, it. इनके साथ हम इसका यूज करते हैं। एंड वी हैव टू यूज विथ आई, और हमें आई के साथ क्या करना है, एम का यूज करना है। एंड आफ्टर दैट ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट वी आई दे, इनके साथ हमें क्या यूज करना है, वाज सॉरी इनके साथ हमको आर का यूज करना है। ठीक है, तो वी और दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स में आते हैं, या फिर हम कभी कभी कॉमन नाउन का यूज करते हैं और वो प्लूरल में होता है या प्लूरल नाउन में होता है, तो हम हमेशा आर का यूज करते हैं। आई के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। वी यूज इज विद द सिंगुलर नाउन्स, मैंने आपको भी बताया इसका यूज सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सी इज द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है इन सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड वेन यू फाइंड द सिंगुलर सब्जेक्ट देन ऑलवेज यू हैव टू यूज इज, ओके आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करना है। फिर वी यूज एन ओनली विद आई, हमको आई का जो एम का यूज है हेल्पिंग वर्ब एम का यूज हमें आई के साथ करना। एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, देन यू विल फाइंड हियर आई, देन यू हैव टू यूज एम। वेल द वी यूज आर विद द प्लूरल नाउन्स, हमें हमेशा जो है प्लूरल नाउन में प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन्स के साथ हमेशा आर का यूज हम करते हैं। जैसे दे आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स इनके साथ हम हमेशा जब भी करेंगे तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इनके साथ हमेशा आर का यूज करते हैं। या फिर वी है, या फिर कोई भी कॉमन नाउन है, या फिर वो प्रॉपर नाउन में है, यदि वो प्लूरल नाउन इंडिकेट करता है देन यू हैव टू यूज ऑक्सिलरी आर। ठीक है, हमेशा आर का यूज हम करते हैं। एंड द लास्ट was and were, was were में उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। वी यूज was, हमें was का यूज हम कहां करते हैं, was is always used, was always used with the singular nouns and pronoun, हमेशा singular noun और pronoun के साथ हम was का यूज करते हैं। and were का यूज plural noun के साथ हम करते हैं, plural noun अगर वह या plural प्रोनाउन है तो हमेशा हमें वहां पे वर्ब का यूज करना होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए मनीष वाज एट द स्कूल गेट, मनीष यू फाइंड हियर अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन अ प्रॉपर नाउन, आपको प्रॉपर नाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट फाइंड आउट होता है देन यू हैव टू यूज ऑक्सिलरी वाज। व्हेन इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट यू हैव टू फाइंड आउट द प्लूरल सब्जेक्ट, suppose that children or they or any plural pronoun or plural noun then you have to always where, aapko hame
वर्ब का यूज करना होगा। ओके नाइस, ओके थैंक यू।